अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो ये वीडियो है 16 अगस्त का और दिन था जुमा, और उस दिन जो है हमारे बुशरा का बर्थडे भी होता है 16 अगस्त को। तो सुबह सुबह का जो है चाय नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, उसका शूट नहीं किया था क्योंकि शूट करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो फिर उसके बाद में जो नाश्ते वगैरह के बर्तन निकले थे तो वो सब साफ़ सफाई कर रहे थे, तो फटाफट से सारा काम ख़त्म किए, किचन के सारे समेटे क्योंकि जुमा है, सभी को नहाना धोना भी रहता है। और जुमे वाले दिन जो है नमाज तो रहती है, साथ में जो है पंसूरा वगैरह भी पढ़ना रहता है। बहुत से लोग तो बहुत सारी सूरह पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जुमा सूरह वाकिया यही सब की तिलावत करते हैं। तो फिर जो है जल्दी से फिर हमने सबके कपड़ों में प्रेस किए क्योंकि सारा काम करते करते जो है 12 बज चुका था और मेरी तबीयत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है, गले में काफ़ी खराश हो रही है और सर दर्द भी बना रहता है। तो उस दिन जो है दूसरा लोगों का बाहर जाने का प्लान था, लेकिन फिर इतना टाइम ही नहीं हो मिल पाया, जाने का रात होने लगी थी तो फिर नहीं जा पाई वो लोग, तो घर पे ही खाना ऑर्डर कर लिया था। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो क्योंकि फिर उसके बाद जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था, और सुबह से तबीयत भी नहीं ठीक थी तो सर दर्द था, तो सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया और बच्चे ही सारा काम कर रहे थे। तो शाम के टाइम मेडिसिन ली तो ज़रा कुछ तबीयत सही लगी, तो शाम का खाना जो है फिर हम बनाने लगे थे। तो शाम के खाने में जो है पनीर की सब्ज़ी और रोटियां बनाई थी, वैसे तो आजकल ज़्यादातर जो है तबीयत मेरी जो ठीक नहीं है तो बुशरा और फरीन लोग ही खाना बनाते हैं, लेकिन वो लोग भी अभी कितना काम करेंगे, तो जब भी तबीयत ठीक लगती है तो थोड़ा थोड़ा काम हम भी कर लेते हैं क्योंकि अकेले सारा काम समेटना उन लोगों का बस की बात नहीं है। वो लोग भी अपना यूट्यूब चैनल के लिए जो है टाइम देती हैं और फिर उसके बाद में घर का भी थक जाती हैं वो लोग भी, और हम भी लेटे लेटे जो है बोर ही हो जाते हैं बिल्कुल, घर में कोई काम नहीं होता तो कितना कोई लेटेगा। तो ज़्यादा से भी तबीयत हल्की लगती है तो काम करना अपना शुरू कर देते हैं। फीवर तो आजकल नहीं आ रहा है मेरे, मगर जो है सर दर्द बराबर बना हुआ है और कुछ थोड़ी टेंशन भी है कि शोभा की डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है तो उसकी वजह से प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही है। तो जब तक हम रोटियां बना रहे थे तो फरीन को पनीर दे दिए थे कि पीसेस कट कर ले सॉरी तो करीबी मेरी जो है साथ में जो है चढ़ा दी, करीबी पक गई थी। और फिर जो है काट रही थी पनीर को तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पीसेस काटें, उन्हें चोको चोको डाइस जो है बनाना नहीं आ रहा था। खैर चलो कोई बात नहीं, बच्चे काम करते रहते तो सीख ही जाते हैं। तो पनीर कट हो गया तो करी मेरी तैयार थी तो उसी में पनीर डाल दिया, और पनीर को हम ज़्यादा देर तक के नहीं पकाते हैं, बस 2-4 मिनट पकाते हैं क्योंकि ज़्यादा पनीर पका दो तो वो अपना टेस्ट खो देता है और जो है चुई चुई सा भी हो जाता है। और करी भी जो है काफ़ी टेस्टी बनी थी पनीर की। तो जब तक मेरा पनीर पक रहा था जब तक वह रोटियां वगैरह भी मेरी ठंडी हो गई थी तो उनको भी समेट के डिब्बे में रख रहे थे क्योंकि गरम गरम रोटियां रख दो तो जो है गीली गीली सी हो जाती हैं। तो पनीर की सब्ज़ी भी मेरी पक के तैयार हो गई थी
लास्ट में उसमें जो है मलाई डाली थी। मलाई से पनीर का जो है टेस्ट काफ़ी जो है बढ़ जाता है, काफ़ी क्रीमी और स्मूथ सी उसकी ग्रेवी बनती है। बस पनीर डालने उसको जो है पनीर सॉरी मलाई डालने के बाद में जो है ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा जो है पक जाए। सॉरी बार बार खांसी आ रही है मेरे। और बस इतना ही कुक करना रहता है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।